हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनर्स क्रिएशन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एम्प्लॉय को कैसे टर्मिनेट करते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ दिया है और हो सकता है पार्टनर ने उनको निकाल दिया है काम से, तो कैसे उनका जो एम्प्लॉय आईडी है वो आईडी कैसे टर्मिनेट करते हैं उनको, इसी के रिगार्डिंग है आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए यानी कि एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने के लिए पार्टनर का जो आईडी है 01 वाला, वो आईडी आपको लॉगिन कर लेना होगा एसडीएमएस में। आइए लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने पार्टनर की आईडी लॉगिन कर ली है। लॉगिन करने के बाद पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये जो सिंबल है ये सिंबल पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। आइए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चेंज पोजीशन देख सकते हो आप, चेंज पोजीशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए श्रीधर इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, उसके बाद एलपीजी मैनेजर पोजीशन पर है अभी, इसको हम पार्टनर पोजीशन पे सिलेक्ट करेंगे। पार्टनर पोजीशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे चेंज पोजीशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए चेंज पोजीशन ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये पोजीशन चेंज हो गया है। आप दोस्तों, आप लोगों को पार्टनर साइट में जाना है। पार्टनर साइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, जितनी भी आप लोगों के पास एम्प्लॉई है उनका डाटा आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैनेजर, डिलीवरी बॉय, सबका नेम यहाँ पर है। तो जिनका टर्मिनेट करना है, जो वो हो सकता है डिलीवरी बॉय, हो सकता है शोरूम स्टाफ, मैनेजर, किसी को भी आप यहाँ से टर्मिनेट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये 2 नंबर वाला जो शेख अमजेद अली, इन्होंने काम छोड़ दिया है, इनको टर्मिनेट करना है। क्या करना है, आइए दोस्तों, उनका नाम पहले सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय टर्मिनेटेड एक ऑप्शन है, इसको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद सीधा चले जाना है ऊपर, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके राइट में ले जाना होगा कर्सर को। आइए ले चलते हैं। ले चलने के बाद आप लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए एम्प्लॉय टर्मिनेटेड टिक मार्क दिया है। टर्मिनेटेड डेट, जिस डेट पे आप टर्मिनेट करना चाहते हैं उसी डेट को सिलेक्ट करना है। इन्होंने दिसंबर में काम छोड़ दिया था, उम्मीद रख रहा था कि फिर से आ जाएगा लेकिन नहीं आया, इसलिए 31 दिसंबर टर्मिनेशन डेट सिलेक्ट किया है। उसके बाद टर्मिनेशन रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा, किस लिए आप टर्मिनेट करना चाहते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने टर्मिनेट कर दिया तो टर्मिनेटेड बाई डिस्ट्रीब्यूटर, अदरवाइज लेफ्ट द जॉब, इसने खुद छोड़ दिया तो लेफ्ट द जॉब, उन्होंने खुद छोड़ दिया इसलिए लेफ्ट द जॉब ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद दोस्तों कंट्रोल दबाना है, उसके बाद एस बटन पर क्लिक करना है डाटा को सेव करने के लिए। कंट्रोल एस बटन पर क्लिक करते ही ये डाटा सेव हो जाएगा, एम्प्लॉय भी टर्मिनेट हो जाएगा। एम्प्लॉय के जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उस मोबाइल पे एसएमएस भी चला जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या दिख रहे हैं, टर्मिनेटेड दिख रहा है। इस तरह आप अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया या जिनको आप काम से निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।